जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रेम कुमार और आप देख रहे हो आपका YouTube चैनल तैयारी जीत की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको नौकनी या बोले का प्रॉब्लम है तो आप इसे दूर कैसे करें। 8 ऐसी गलतियां जो आप करते हैं तभी आपको नौकनी या बोले का प्रॉब्लम हो जाता है, या अगर आपको नहीं है तो आपको आगे चल के हो जाएगा ये गलती अगर आप करेंगे तो। क्या क्या गलतियां जो आप करते हैं जिससे वजह से आपको नौकनी या बोले का प्रॉब्लम होता है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो कैसे ठीक करें, क्या क्या गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपको नौकरी का प्रॉब्लम होता है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको एक अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के लिए बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नौकरी या बोले का प्रॉब्लम है तो आपको पहला जो गलती नहीं करना चाहिए, अगर आप रनिंग करते हैं तो कभी भी आपको रोड पर रनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो प्रॉब्लम है नौकरी या बोले का तो वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो रोड होता है रोड का सरफेस काफ़ी टाइट होता है, हार्ड होता है। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके पैरों में काफ़ी जोर पड़ता है, आगे चल के आपको नौकरी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको है तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये गलतियाँ नहीं करना है कभी भी कि आपको रोड पर रनिंग करना। हाँ, अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड में रनिंग कर सकते हैं जहाँ की मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है, और आप रनिंग करेंगे तो आगे कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आपको है जो पहला है आपको ध्यान देना है। दोस्तों दूसरी जो चीज़ है आपको जो ध्यान देना है, अगर आपको नौकनी या बोले का प्रॉब्लम है तो आपकी वेट जो होती है, बॉडी वेट होता है, आपको कभी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आपकी हाइट के हिसाब से आपकी बॉडी का वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपकी हाइट कम है और आपका वेट जो है काफ़ी एक्स्ट्रा है, 60 किलो 70 किलो आपका वेट है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बॉडी का वेट होता है उसका सारा जो भार होता है हमारे पैरों पर वो जाता है, हमारे घुटनों पर जाता है, तो आपको नौकनी का प्रॉब्लम हो सकता है या बोले का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी जो पैर है वो बैंड हो सकती है। तो कभी भी दोस्तों आपको अपने वेट पर कंट्रोल करना है, तो वेट को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको रनिंग जरूर करना चाहिए। रनिंग करने से ही आपकी जो है वेट कम हो सकती है। अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, तब जाके आपकी जो है वेट है कम हो जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप अपना वेट कम रहेगा तो आपको नौकरी का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। तो तीसरी जो गलती आप करते हैं वो क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है। आप क्या करते हैं, बस नॉर्मल चीज़ खा लेते हैं। देखो खाली पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस कुछ भी खाकर पेट भर लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको क्या करना, विटामिन डी की चीज़ें जिससे कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत रहेंगी, आपकी हड्डियाँ जो है बैंड नहीं होंगी। क्या गलती हो जाता है कि बहुत लोग करते हैं कि विटामिन डी की चीज़ें नहीं खाते हैं, इससे आपको क्या होता है कि आपको नौकरी या बोले का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये गलती आप ना करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और आगे मैं आपको बता दूँ, अगले वीडियो में बताऊँगा आपको कि किस तरीके से विटामिन डी के प्रोडक्ट को आपको लेना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, मेडिसिन के माध्यम से कौन सी जो चीज़ें हैं जो विटामिन डी की गोलियाँ आती हैं वो ले सकते हैं। दोस्तों चौथी जो गलती आप करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो आपका है, सबसे बड़ी गलती मैं कहूँ तो वो क्या है दोस्तों, आपको कम से कम डेली एक से आधा घंटा, कम से कम एक घंटा आपको धूप में रहना है। क्योंकि धूप से पता होगा दोस्तों हमें हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। लोग गलती क्या कर देते हैं कि भाई दिन भर घर के अंदर रहते हैं क्योंकि उन्हें धूप लेना बहुत ज़रूरी है। वो सोचते हैं अगर धूप में जाऊँगा यार तो मैं काला हो जाऊँगा, ऐसे हो जाऊँगा, मुझे डस्ट लग जाएगा, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मॉर्निंग की जो धूप होती है, अब ऐसा नहीं है कि यार 12 बजे की धूप में आप घूमोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मॉर्निंग में कम से कम 5 से 6, 7 बजे तक का जो धूप होता है, 8 बजे तक धूप होता है, वो जो धूप होता है उससे आपको क्या होता है कि विटामिन डी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जितना कि आप किसी मेडिसिन को या किसी खाने को खाकर आप नहीं निकाल कर सकते, अपने बॉडी में नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों कोशिश करें डेली कम से कम आधा से एक घंटा आपको धूप में रहना। दूसरी जो आप उस साथ में आपको जो चीज़ करनी है, आपको क्या करना है, अपने पैरों में तेल लगाकर, मतलब तेल लगा देना है, ऑयल लगा लीजिए, किसी प्रकार का तेल लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको आधा से एक घंटा तक आपको धूप में बैठना है। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आपके जो पैर हैं काफ़ी मजबूत हो जाएंगी और आपको नौकरी का बोले का प्रॉब्लम जो अगर है तो ठीक होगा, अगर आपको नहीं है तो फ्यूचर में आपको कभी जाकर नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे, अगर आप धूप नहीं लेते हैं आधा एक घंटा, तो दोस्तों मैं बता दूं आज से लेना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों पांचवी गलती जो आपको नहीं करना वो क्या है, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम के अंदर कभी भी आपको हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आपको नौकरी का प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है, बोले का प्रॉब्लम है, लेकिन वो हैवी स्क्वाट वगैरह मारते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, चाहे आप जिम जाएँ या ना जाएँ। ठीक है, अगर आप जिम के अंदर जाते हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप घर में, अगर आपको नौकरी की प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, कभी आपको हैवी वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लीजिए कि बहुत होता है कि आटे की बोरी वगैरह लेकर जाते हैं, 50 किलो 60 किलो जो वजन होता है, एक्स्ट्रा वजन लेके आपको नहीं रहना। क्या
होता है दोस्तों, अगर हम वेट डालते हैं तो हमारे जो पैरों पे ज़्यादा दबाव जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है हमारा जो पैर है बाहर की ओर या अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ था, हमें नोकनी की भी प्रॉब्लम है या बोले का प्रॉब्लम है, तो वो जो प्रॉब्लम है आगे चल के और बढ़ सकता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, अगर आपको नोकनी या बोले का प्रॉब्लम है आगे चल के आपको घुटनों में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, उसका इफेक्ट जो होता है हमारे काफ़ी घुटनों में असर पड़ता है। तो आपको अगर आपको फ्यूचर में आगे अच्छी से रहना है, अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करना, आपको हैवी वेट का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जहाँ तक हो आपको नॉर्मल वेट लेना है, चाहे अपने डेली लाइफ में अगर कुछ काम कर रहे हैं तब कर लीजिए, या फिर आप जिम वर्कआउट करें तब आपको करना है। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नौकरी का जो प्रॉब्लम है वो अगर आपको है या नहीं है तो ये कंट्रोल में रहे। दोस्तों छठी जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट वाली मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या है दोस्तों, आपको कभी भी अगर नौकरी या बोले का प्रॉब्लम है या आपको हड्डियों की किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है तो आपको कभी मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे प्रेम भाई मास्टरबेशन से क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो उसका सारा जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, एनर्जी पे और हमारी बोन्स पे, हमारी हड्डियों पे काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी हड्डियाँ काफ़ी कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद आपको मान लीजिए नौकरी का प्रॉब्लम है और या बोले का प्रॉब्लम है, तो क्या होता है हमारी हड्डियाँ, तो एक तो पहले से हमारी हड्डियाँ कमजोर थी, उसके बाद दोस्तों आप विटामिन डी भी नहीं ले रहे हो, उसके बाद क्या है कि आप मास्टरबेशन भी कर रहे हो, तो क्या हमारी हड्डियाँ कमजोर हो गई और आप कुछ भी काम करोगे तो आपके अंदर वीकनेस रहेगा, आपकी हड्डियाँ बैंड हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बैंड हो सकती है। तो कोशिश करना है दोस्तों आपको मास्टरबेशन नहीं करना, कम से कम करना है, करें कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ऐसा मन कर रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कोशिश करना आपको नहीं करना है। अगर आपको अपने आप को फिट करना है, अपने पैरों को ठीक करना है, तो ये गलती ना करें। सातवीं गलती, काफ़ी इंपॉर्टेंट गलती, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वो गलती करते हैं, वो क्या है दोस्तों, गलत पोस्चर में चलना। आजकल के लोगों क्या है कि चलने का जो तरीका है काफ़ी गंदा सा हो चुका है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार लोग स्टाइल मारने के चक्कर में यार किसी तरीके से भी चल लेते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको ध्यान देना, जब भी आप चलेंगे तो आपका जो पैर है तो स्ट्रेट लेवल में चलना चाहिए, आपका पैर सीधा उठना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। मैं बताता हूँ किस तरह करना है दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं, तरीका देखिए चलने का, कभी भी अगर आपको चलना है, चल रहे हैं, ठीक है, सिंपल आपको अपने पैरों को सीधे लेके ऐसे चलना है, ठीक है, आगे से ऐसे बढ़ाना है। बहुत लोग मैंने देखा है कि स्टाइल मारने के लिए पैरों को इस तरह बैंड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। ये देखिए ये क्या है ना, ये बहुत गंदा पोस्चर है चलने का, कभी आपको नहीं करना। आपने बहुत से लोगों को देखा दोस्तों ये कर लेंगे ऐसे करके, अब ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कर चल रहे हैं, तो आपको कभी ये गलती नहीं करना। आपको कोशिश करना, अगर आप गलत तरीके से चलते हैं, फुटवर्क चलते हैं, तो आपको सिंपल अपना पैरों को आगे आगे बढ़ा के फिर चलना है, इस तरह उठा के चलना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ ये गलती मत करना, नहीं तो आपको आगे चल के आपको नौकरी या बोले का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों आठवीं गलती, सबसे इंपॉर्टेंट गलती, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, वो क्या है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और यह ध्यान देना दोस्तों कि जब भी आप पानी पियेंगे आपको कभी फिल्ट्रेशन वाला पानी नहीं पीना, जैसे एक्वागार्ड से जो पानी आते हैं उसको नहीं पीना। अब आप बोले प्रेम भाई नौकरी या बोले में यार फिल्ट्रेशन पानी का क्या फंडा है? पंडा ये दोस्तों कि क्या होता है, जब हम वो पानी को पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आयरन की जो मात्रा होता है काफ़ी जो होता है वो फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। और आपको पता हो दोस्तों, आप हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आयरन भी काफ़ी जो है मदद करता है। अगर आप वो पानी पीते हैं, आगे चल के काफ़ी दिन तक आप वो पानी पीते हैं, साल दो साल तक पानी पीते हैं, तो आपकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। अगर आपको पहले से अगर मजबूत होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, तो ये गलती मत करना यार। कोशिश करें आप जब पानी ज़्यादा ज़्यादा पिए, लेकिन आपको क्या करना है, घड़े के पानी पी सकते हैं, फिल्टर वगैरह रख के पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी वो एक्वागार्ड वाला पानी नहीं पीना। ये गलती जो है काफ़ी लोग कर रहे थे, मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से कि मैं इस चीज़ों को मैं बताऊं, लेकिन नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज मैं क्लियर कर दिया। अगर आप ये गलती करें दोस्तों तो प्लीज़ ये गलती को मत करना यार। दोस्तों एक चीज़ और है कि बहुत से भाई मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि प्रेम भाई ये जो नौकनी या बोले का प्रॉब्लम है कितने दिन में ठीक हो जाएगा, कितने दिन एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं या आपका चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये हड्डियों की प्रॉब्लम है, और हड्डियों की प्रॉब्लम दोस्तों मैं बता दूं, ये धीरे धीरे ठीक हो सकता है, और ये जो बीमारी आपको होता है, ये प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे आपको आपके बॉडी में आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम अगर एक महीना दो महीना इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे और ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी जाके ये ठीक हो सकता है। तो दोबारा यार प्लीज़ ये कॉमेंट मत करना मुझे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह से हेल्थ फिटनेस मोटिवेशन आर्मी से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर नौकरी का प्रॉब्लम है या बोले का प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर किसी भाई को अगर प्रॉब्लम है आपके शेयर करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से थैंक यू आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। और हाँ दोस्तों वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।